जो कि PHP और MySQL में डेवलप किया गया है। बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो है डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को ऑनलाइन अपलोड करना। इसमें एक एडमिन पैनल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैम स्टार्ट करते हैं। सैम को स्टार्ट करने से पहले इंश्योर कर लें कि स्काइप ऑफ है, क्योंकि स्काइप जिस पोर्ट पर काम करता है उसी पोर्ट पर अपाचे भी काम करता है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस का नाम है वो है आर्ट गैलरी, तो हमें पहले वो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। यहाँ पर डेटाबेसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटाबेसेस नाम दे रखा है, तो यहाँ पर हम उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिसे हम क्रिएट करना चाहते हैं। और कलेक्शन में अगर हम कोई कलेक्शन देना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अनलेस बाय डिफॉल्ट वो कलेक्शन उठा लेगा। जैसे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है आर्ट गैलरी, तो हम लिखेंगे आर्ट गैलरी और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा स्क्रीन पर मैसेज आएगा डेटाबेस आर्ट गैलरी हैज बीन क्रिएटेड। अब हमें वो .sql फाइल इंपोर्ट करनी है जिसमें इस डेटाबेस के टेबल्स बने हुए, तो हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उस .sql फाइल को सर्च करेंगे जिसे हमें इंपोर्ट करना है। सैम पर गए, htdocs पे गए और यहाँ पर मेरे जो फोल्डर में है मेरा प्रोजेक्ट आर्ट गैलरी, उसमें आर्ट गैलरी .sql फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। लास्ट में गो पर क्लिक करूंगा। जैसे डेटाबेस इंपोर्ट .sql फाइल इंपोर्ट हो जाती है तो स्क्रीन पर मैसेज आता है इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड 13 क्यूरीज एग्जीक्यूटेड। और जो टेबल्स हैं वो हमें दिख जाते हैं। आर्टिस्ट और लॉगिन, इसमें दो टेबल्स हैं आर्टिस्ट और लॉगिन। जो लॉगिन टेबल है वो एडमिन के लॉगिन के लिए है जिसमें एडमिन की इंफॉर्मेशन दे रखी है और अगर सेकंड कोई एडमिन है तो उसकी भी दे रखी है। जैसे इसमें यूजर आईडी फर्स्ट है एडमिन, उसका पासवर्ड है 123456 और सेकंड है नेहा, उसकी यूजर आईडी है नेहा, पासवर्ड है नेहा। अब इसमें सेकंड जो टेबल है वो है आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट टेबल में क्या हो रहा है कि जो आर्टिस्ट है उसका नेम और उसकी जो पेंटिंग है उसका लिंक या पेंटिंग की इमेज का नेम वो इस डेटाबेस में सेव हो रहा है ताकि वो डायनेमिकली यहाँ से फेच कर ले इसको, तो ये डायनेमिक वेबसाइट होगी। अब प्रोजेक्ट को चलाते हैं, वो चलाने के लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश में, इस फोल्डर में है मेरा EME4 में है, इसके अंदर है आर्ट गैलरी, मेरा आर्ट गैलरी क्लिक किया। इसमें चार पेजेस हैं, गेस्ट मॉड्यूल में चार पेजेस हैं। फर्स्ट है होम पेज जो हमें दिख रहा है जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस प्रोजेक्ट की
जिसमें चार इमेजेस भी हैं, और सेकंड है आर्टिस्ट जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट का की लिस्ट दे रखी है, मैं क्लिक करने पर उसके बारे में खुलेगा। थर्ड है आर्ट्स, आर्ट्स में इमेजेस दे रखी है, जितने भी पेंटिंग्स हैं आर्टिस्ट की वो हमें यहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही कॉन्टेक्टर्स फॉर्म है, अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा और डिटेल सबमिट हो जाएगी। अब एडमिन मॉड्यूल पे चलते हैं। एडमिन मॉड्यूल के लिए पासवर्ड है, हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद यूजर आईडी, जैसे इसमें एडमिन है, पासवर्ड है 123456। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यूजर आईडी लिखेंगे एडमिन, पासवर्ड है 123456। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे पेज पे पहुँचा देगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो किसी यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल देख आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर देयर करेंटली वन रिकॉर्डिंग टेबल, नेम नेहा, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, सिटी। यहाँ पर हम आर्टिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, उस आर्टिस्ट का नेम लिखना होगा, जैसे मैं लिखता हूँ अंकित, और इसने जो आर्ट बनाया, इसने जो पेंटिंग बनाई है उसको मैं ब्राउज करूँगा। ऐसे ही जैसे डमी के लिए मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, मैंने ये अपलोड कर दिया, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये न्यू आर्ट एडिट नेम से मैसेज स्क्रीन पर आएगा और ये हमारा आर्ट एडिट हो चुका है। अब हम आर्ट्स पर क्लिक करते हैं तो हमें वो लास्ट में दिखेगी। तो ये हमें दिख रही हैं, तो हमने अपलोड्स की थी वो सारी हमें यहाँ पर दिखेगी। अब अगर हम इसका डेटाबेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम इस पीसी के अलावा हम किसी थर्ड पीसी पे, फोर्थ पीसी पे चला सकें, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। हम पीएचपी माय एडमिन पे जाएंगे, डेटाबेसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आर्ट जो हमारा डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, आर्ट गैलरी। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ऊपर डेटाबेस में लिखाएगा आर्ट गैलरी। अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें डायरेक्ट गो करना है तो एक डॉट सीक्वल फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी, इसको सेव करना है और इसके कंटेंट लोकेशन देखेंगे। तो ये डॉट सीक्वल फाइल है जिसे हम थर्ड पीसी पर यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंपोर्ट डाटाबेस। किसी भी फ्यूचर का डाटाबेस को इंपोर्ट करना हो तो हम ब्राउज़र को खोलेंगे, ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन लिखते हैं। लोकल होस्ट पीएचपी मीडिया आपके पीएचपी का डाटाबेस है जहाँ पे ये स्टोर करता है आपके सिक्वल फाइल्स या आपका डेटाबेस है। अब जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है किसी भी डेटाबेस को तो आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि AFS नाम का डेटाबेस हमने क्रिएट किया, ये कह रहा है कि ऑलरेडी इस नाम का डेटाबेस हमारे पास पड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस वाले डेटाबेस को ड्रॉप कर देंगे। AFS ठीक है, एंड देन क्रिएट, इसको क्रिएट कर देंगे। अभी हमने क्रिएट कर दिया, अब हम इस डाटाबेस में इंपोर्ट करेंगे फाइल्स। तो इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, उस डाटाबेस पे क्लिक करके इंपोर्ट करिए। अब इंपोर्ट कहाँ से करना है चूज कर लीजिएगा फाइल, हम
फिर डाटाबेस की फाइल जहाँ भी पड़ी होगी वहाँ से कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने डाउनलोड में रखी है तो मैं डाउनलोड से उठाकर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास सारा का सारा डाटाबेस शो हो गया। यहाँ पर इसको कहते हैं कि हमने इस तरह से यूज़ किया कि हमने इस चीज़ को यूज़ किया कि हमने ये चीज़ इम्पोर्ट करवानी है। अब अगर हमें इसके टेबल्स देखने होंगे तो इसके राइट क्लिक पे क्लिक करके इसके टेबल्स, ये इसमें क्या क्या डाटा है वो है, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो स्ट्रक्चर को देख करके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का डाटाबेस। अगर व्यक्ति में चलाना हो तो हम इस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट डाटाबेस। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि हाउ टू इंपोर्ट डाटाबेस, अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट डाटाबेस। वैसे ही पहले लोग अपने ब्राउजर को ओपन करिएगा, वहाँ पे लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको डाटाबेस को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोजेक्ट को किसी और के लैपटॉप पे चला के दें। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और के लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करना उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है, सो वेट। सर्वर बहुत स्लो है, इस वजह से ये धीरे चल रहा है। अगर हमें ये भी करना हो जैसे कि मुझे ये आपका डाटाबेस आ गया। अब आपको इस पर हमें जैसे कि इंपोर्ट करवाना है, अब हमें एक्सपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करना हम सीख चुके हैं। तो हम जिस डाटाबेस को एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, जैसे AFS इसको ओपन करेंगे। ये चीज़ जैसे कि खुल गई, अब हमें पूरे के पूरे डाटा को इसमें एक्सपोर्ट कराना, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा। देन कस्टम डिस्प्ले, हमें पूरा का पूरा डाटा बेस चाहिए इसलिए हमने कस्टम डिस्प्ले किया, ओके। देन गो, इस तरह से आपका डाटा बेस एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो जाएगी डॉट सिंपल फाइल। अब आप इसको कहीं भी अपने किसी भी फ्रेंड के लैपटॉप पे प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। जिस तरह से इंपोर्ट करना सिखाया वैसे उसके लैपटॉप पे इंपोर्ट कर दीजिएगा, और एक्सपोर्ट करना हमने आपको सिखा दिया। टुडे वी लर्न हाउ टू रन प्रोजेक्ट, हाउ टू लर्न अ प्रोजेक्ट ऑफ पीएचपी, हाउ टू रन अ प्रोजेक्ट ऑफ पीएचपी इन अ ब्राउजर। सो किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, अगर पीएचपी से रिलेटेड है, अगर उसको चलाने के लिए आपको चलाना है तो आपको जैम कंट्रोलर ऑन करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा। देन उसके बाद ब्राउज़र पे जाके आप लोकल होस्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम है वो लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट अनुराधा पिशन डॉट इसमें स्टोर करके रखा है, ओके। तो मैं इस चीज़ को खोल दूँगी। फोल्डर के अंदर फोल्डर है इसलिए मैंने दो फोल्डर्स लिखे हैं। अब जैसे कि मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना था तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम लिखा और उसको रन कर दिया। इस तरह से आप हर एक प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर पीएचपी का कोई भी प्रोजेक्ट रन करना हो तो ब्राउज़र पर जाकर लोकल होस्ट लिखिए, उस प्रोजेक्ट का